हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एनसीएफ मैंने स्टार्ट करा दिया था आपको, एंड मैं आपको गाइडिंग प्रिंसिपल तक करा चुकी हूँ। अब मैं आपसे आगे बात करूँगी फोकस ऑन चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर। सीधी सी बात है, बच्चे को क्या माना गया है, एक एक्टिव लर्नर माना गया है। तो एनसीएफ भी यही कहता है कि जो बच्चा है वह एक एक्टिव लर्नर है, उसका जो रोल है वह एक्टिव होता है। तो हमें बच्चे को करिकुलम के थ्रू ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट करे, एज एक्टिव लर्नर पे काम करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस देयर वॉइस एंड पार्टिसिपेशन। बच्चे का एक्सपीरियंस एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, उसकी वॉइस यानी जो भी उसकी क्वेरीज है, जो भी वे पूछना चाहता है, उसका जो नेचर है वे क्वेश्चनिंग नेचर होना चाहिए। जब बच्चा क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब बच्चा प्रोग्रेस की तरफ चल रहा है। ठीक है, उसका पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेकेंड बात क्या करता है, नीड फॉर एडल्ट्स टू चेंज देयर परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज। यानी हमें बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए। ज़रूरत है अडल्ट्स, जो अडल्ट्स हैं उनको पूरा एफर्ट करना चाहिए कि वे बच्चों के परसेप्शन को चेंज कर पाए। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे का जो सोचने का लेवल है, उसका जो सोचने का तरीका है, नज़रिया है, उसको चेंज करें। बच्चा ये ना सोचे कि वे एक पैसिव लर्नर है, कि जो टीचर पढ़ाएगा बस हमें वही समझना, डेट्स इट। नहीं, बच्चा को यहाँ पर बच्चे के अंदर एक एंकरेजमेंट, एक कहने का मतलब उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए नई नई चीज़ों को जानने के बारे में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। इस पॉइंट में क्या बात की गई है गाइस, कि बच्चे के जो परसेप्शन है वे चेंज होनी चाहिए और बच्चा पैसिव लर्नर ना होकर एक्टिव लर्नर बने। ठीक है, अगर टीचर्स का क्लास में कुछ टॉपिक करा रहा है, बच्चा से सुन रहा है, डेट्स इट, कोई क्वेश्चनिंग पुट नहीं हो रही, ठीक है, कोई नोडिंग नहीं हो रही। नोडिंग का मतलब होता है जब टीचर कहता है आपको समझ में आया, तो बच्चा अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करेगा, यानी हाँ का इशारा करेगा, नहीं आया तो ना का इशारा करेगा या ना बोलेगा। यानी कहने का मतलब जो बच्चा जो है हर एक चीज़ में उसका एक्टिव रोल हो। क्वेश्चनिंग पूछे, चीज़ समझ में आ रही है तो हाँ करे, नहीं आ रही तो ना करे। ठीक है, अपने कुछ आइडियाज़ दे टीचर को, अगर कुछ टीचर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आगे क्या कहा गया है, चिल्ड्रन कैन बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड एवरी चाइल्ड कम टू विद प्री नॉलेज। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इसने, कि जो बच्चा है वह एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, और जब वह नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बच्चे में इतनी सक्षम, बच्चा इतना सक्षम होता है कि वह नॉलेज को अपने एक्सपीरियंसेस की हेल्प से खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात कही गई है, बिल्कुल सिंपल सी बात, आप सभी जानते भी हो ये चीज़। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें कही गई है जो आप जानते हो। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी कुछ पढ़ते हो तो इसका मतलब आपको वे चीज़ पहले से ही पता है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि एनसीएफ में क्या कहा गया, किसी और थ्योरी में क्या कहा गया, बस ये चीज़ें आपको समझनी होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें, कि कोई भी बच्चा जब आता है, अगर वह नर्सरी में भी बच्चा आ रहा है ना, नर्सरी में बिल्कुल छोटी क्लास की बात, सबसे फर्स्ट जो बेसिक चीज़ है, पहली जो बच्चे की सीढ़ी होती है, जो बच्चे का जो पहला स्टेप होता है स्कूलिंग एजुकेशन लेने का, जब बच्चा नर्सरी में भी होता है ना, तो भी उसके अंदर प्री नॉलेज होती है। यानी प्री नॉलेज के साथ हर एक बच्चा आता है। प्री नॉलेज कैसे, आप सुनिए। बच्चा जो अपनी मदर टंग सीखता है, ठीक है, उस मदर टंग को उसकी नॉलेज है। जब बच्चा नर्सरी में होता है तो उस मदर टंग की हेल्प से टीचर उसको अदर लैंग्वेजेस सिखाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब बच्चे के अंदर प्री नॉलेज भी होती है, हर एक बच्चे के अंदर होती है। चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज्ड, अब आपको फोर्थ पॉइंट करा रही हूँ, चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज्ड टू रिलेट द लर्निंग टू देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज टू रिलेट द लर्निंग टू देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो जिस भी बच्चा जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है, बच्चा उस एनवायरनमेंट को, उस एनवायरनमेंट में जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने नॉलेज ली है, उसको एनकरेज करना चाहिए कि उसको भी उस एनवायरनमेंट के रिलेट करके चीज़ों को पढ़े। एम्फोसाइज दैट जेंडर, क्लास, क्रीड शुड नॉट बी कॉन्स्ट्रेंट फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए उसका जेंडर क्या है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, क्या रिलीजन है, ठीक है, बच्चों के लिए चीज़ें बधाएं, बच्चों के सामने ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर एक बच्चा इक्वल होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, हर एक बच्चे को बराबर का मौका मिलना चाहिए हर एक चीज़ों के अंदर। तो ये जो चीज़ें होती है, जेंडर, कास्ट, ये चीज़ें बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों के लिए एक बैरियर क्रिएट करता है, एक रुकावट क्रिएट करता है। तो ये चीज़ें बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए, बच्चों के लिए कॉन्स्टेंट बन जाता है ये। तो ये चीज़ें बच्चों से दूर रखनी है, बच्चे को एनकरेज करना है, इक्वल है, एम्फोसाइज
मतलब महत्व किस चीज़ पर देना है कि सारे बच्चे एक हैं. हाईलाइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बच्चा चीज़ों को कंबाइन कर कर पढ़े, इंटीग्रेट करके पढ़े. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर बच्चा मान लीजिए काउंटिंग सीख रहा है, तो बच्चा उस काउंटिंग से कैसे आगे एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़े. या कोई बच्चा क्लास में टॉपिक पढ़ा है, इवन साइंस में भी कुछ पढ़ रहा है कि वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके टीचर को बच्चे को फील्ड नॉलेज देनी चाहिए कि वाटर कैसे प्योरीफाई होता है, ठीक है, या हमारे देश में जो पानी की कमी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं. तो बच्चों को उन जगहों पर लेकर जाना चाहिए एज अ टूर, जैसे एजुकेशनल टूर होते हैं स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर पानी की किल्लत है, पानी की कमी, और लोग कितने तकलीफ में है कि पानी की ना होने की वजह से. जब बच्चे उन चीज़ों को महसूस करेंगे कि पानी की कमी से कितनी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, तब बच्चे खुद पानी को सेव करना शुरू करेंगे, ठीक है. तो कई बार क्या होता है, चीज़ों को समझ कर करना पड़ता है, बच्चों को एहसास दिलाना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम है ये आगे आने वाली जनरेशन को भी फेस करनी पड़े, खुद भी करनी पड़ रही है, तो इसे हमें कैसे दूर करना है प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकली बच्चों को समझाना है. डिज़ाइनिंग मोर चैलेंजिंग एक्टिविटीज़, यानी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ टीचर डिज़ाइन करने चाहिए बच्चों को, जिससे बच्चे की थिंकिंग पावर चैलेंज हो. बच्चों की थिंकिंग पावर पर एक एक जोरदार, कहने का मतलब हैमर पड़े, हैमर इन द सेंस ये नहीं कि सच्ची में हैमर मार दिया, नहीं, ऐसा नहीं है गाइस. ये जस्ट एक तरीका है समझाने का आपको, कि जब बच्चे के सामने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज आएंगी जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करेगी, बच्चा खुद आगे इनिशिएट लेगा उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड पे एक हैमर पड़ा और उसने सोचने पर मजबूर किया. ये सिर्फ मैं आपको तरीका बता रही हूँ समझाने का, सच्ची में हैमर नहीं मारना, ठीक है. तो कहने का मतलब यही है कि बच्चे को सोचने पर मजबूर करे, बच्चा खुद आगे आए, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो बच्चे की सोचने की पावर को चैलेंज करे. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, ठीक है. रिकमेंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मैथ, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस. काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं करिकुलर सब्जेक्ट्स में, लाइक मैथ में, नेचुरल साइंस में, सोशल साइंस में. ओवरऑल व्यू टू रिड्यूस स्ट्रेस, मेक एजुकेशन मोर रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल. यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पर दिया जाता है, कि बच्चे का स्ट्रेस कम हो, लर्निंग विदाउट बर्डन हो, बिना बर्डन के लर्निंग हो, बिना बर्डन के बच्चा सीखे चीज़ों को. एजुकेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो बच्चों के लिए, जो उसके आगे भविष्य में भी काम आए, प्लस प्रेजेंट में भी उसको अप्लाई कर पाए, और उसके लिए उसका कुछ मीनिंगफुल हो, कुछ मीनिंग हो, कुछ मतलब हो, ठीक है. तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो ये चीज़ें रहेंगी इसके अंदर. तो मैं आपको आज ये जो पार्ट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, डिटेल के साथ कराऊंगी. हमारा सिर्फ इतना ही रहता है, हमारा टॉपिक यहाँ तक ही है सिर्फ मेन, ठीक है. तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसी को आप समझिए. ये चीज़ आप सभी को मालूम है ऑलरेडी, ठीक है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि एनसीएफ में बातें कहाँ कही गई हैं. ये बातें हमें एनसीएफ ने कही है, ये बातें हमें इस थ्योरी ने कही है. अगर आप मैकेलेविनेट पढ़ते हो तो इसमें क्या कहा गया, वुड डिस्पैच में क्या कहा गया. बस आपको वे चीज़ें समझनी है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ कर चलना है. बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं. हम नए लेसन में मिलेंगे, ठीक है. तो आप पढ़ते रहिए और अपना भविष्य को ब्राइट कीजिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए. पढ़ोगे तो तभी सफलता पाओगे. तो चलिए फिर मिलेंगे नए लेसन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.